दोस्तों हालांकि हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर, और राजस्थान में जो टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं जितनी भी, उनमें से कई सारी यूनिवर्सिटीज पर अब तक हम वीडियो बना चुके हैं आपके आसपास की, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के आसपास जो जयपुर में और भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन पर हमने डिटेल में वीडियोज बनाई है। यूनिवर्सिटी को कभी भी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी पर चेक करना चाहिए, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करता है वो यूजीसी करता है। दोस्तों राजस्थान में हम बात करें तो इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी चल रही हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, अपने कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हो और जो भी कुछ फ्यूचर में आप करना चाहते हो वो आप बन सकते हो। सिर्फ राजस्थान की हम बात करें दोस्तों तो टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं और पूरी अपने देश में अभी यूजीसी के अनुसार 440 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। जितनी टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक नाम आता है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जयपुर में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, इसको लेकर स्टूडेंट्स ने कई सारे सवाल पूछे कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम कंप्लीट एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको पूरा कुछ हम बताएं, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी ये कब बनी है, यूनिवर्सिटी को हम यूजीसी पर कैसे चेक करें, अप्रूवल्स हम कैसे चेक करें। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकती है, अभी 2023 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों आप लोगों के दिल में जो आपने हमसे पूछे और आप एक वीडियो चाहते हैं। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में चल रही हैं वो सभी रेगुलेट की जाती हैं यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के बारे में भी अभी हम जिक्र करेंगे आगे आगे अपनी इस वीडियो में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं, आप इन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर और राजस्थान में जो टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं जितनी भी, उनमें से कई सारी यूनिवर्सिटीज पर अब तक हम वीडियो बना चुके हैं आपके आसपास की, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के आसपास जो जयपुर में और भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन पर हमने डिटेल में वीडियोस बनाई है अपने इसी चैनल पर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वैसी ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैसी बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। यूनिवर्सिटी को कभी भी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी पर चेक करना चाहिए, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करता है वो यूजीसी करता है और यूजीसी पर अगर यूनिवर्सिटी लिस्टेड है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। साथ में ही हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के थोड़ी सी अगर हम डिटेल के बारे में जानने की कोशिश करें तो 2017 में ये यूनिवर्सिटी बनी, प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है, चेयरपर्सन डॉक्टर अंशु सुराना जो जिनके कॉलेजेस भी चलते हैं, आपने जयपुर में देखा हो तो कॉलेज अवेलेबल है इनके, जयपुर में ही कॉलेज चलते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा एक विकिपीडिया की डिटेल हम बात करें तो वहाँ ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेगी नहीं, पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीधा यूजीसी से। दोस्तों यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो आप जाइए यूजीसी की वेबसाइट पर। जैसा मैंने आपको बताया अगर यूजीसी पर लिस्टेड है तो यूनिवर्सिटी मान्य है, आप यूजीसी पर जाइए www.ugc.gov.in। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो एक इंटरफेस खुलेगा यूजीसी का। इस इंटरफेस में आप देखेंगे तो छठे सातवें नंबर पर HEIS लिखा हुआ है। HEIS का मतलब दोस्तों मानिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये एक्ट आया था एक 1992 में जिसके अनुसार यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर लिस्टेड होने चाहिए। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बाकी चीजें भी हालांकि हैं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की डिटेल है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत ही ये सारी यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं, सारी यूनिवर्सिटीज रेगुलेट की जाती हैं। अब जैसे ही प्राइवेट देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स बना है प्राइवेट का और नीचे स्टेट्स के नाम लिखे हैं तो यहाँ पर जाकर आपको राजस्थान पे क्लिक करना है। दोस्तों राजस्थान पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो एंट्रीज दिखा रहा है 52
टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की एंट्री दिखा रहा है 440 में से। यहाँ पर तीन पेजेस हैं, आप थर्ड नंबर के पेज को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यू, अल्फाबेटिकली यू की हम बात करें तो 423 423 नंबर पर यह यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मतलब यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो आप ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, और साथ में ही जयपुर में स्थित है यूनिवर्सिटी। और भी डिटेल आप जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप अदर डिटेल पे आप क्लिक कर दें। अदर डिटेल पे क्लिक करते ही आप यहां देखोगे तो 18/5/2017 में तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ये बनी है। साथ में डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी डिटेल मेंशन नहीं है, एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड यस और नो, नो लिखा हुआ है, डेट ऑफ विजिट में भी नो है, रिमार्क में लिखा है इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पस स्टिल फिटेड, मतलब कि यहाँ पर बाकी जगह देखोगे यस 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 लिखा होता है, अभी यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट अपडेट यहाँ पर है नहीं जो यूजीसी ने डाला है। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यूजीसी के कमेंट आपको देखने जरूर चाहिए क्या है यूनिवर्सिटी को लेकर, कोई बैड कमेंट हालांकि इस यूनिवर्सिटी के लिए भी नहीं है, पर मैं आपको वैसे ही बता दूं कि जो डिटेल्स है इंस्पेक्शन कमेटी होती है वो सब अभी विजिट हुई नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और डिटेल में जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि पहले क्या होता था इसी यूजीसी की वेबसाइट पर ही मोर डिटेल में आपको यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब की डिटेल, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, इन्फॉर्मेशन, मेन वेबसाइट सब कुछ मिलता था। अभी चेंज हुए हैं वेबसाइट में तो चीजें बदल गई है। यहाँ पर अब आप व्यू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, वो ओरिजिनल वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा और वही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। क्योंकि जो यूजीसी पर वेबसाइट मेंशन है आपको सिर्फ उसी पर ट्रस्ट करना चाहिए, दूसरी किसी वेबसाइट पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी सवाल अगर आपके दिल में है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस कॉलेज, किस कोर्स या किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं आप जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।